बेचैन है और बीजेपी पूरे गाजे बाजे के साथ कह रही है राम लला हम आएंगे। तो इस हफ्ते का ये देश है हमारा इसी विषय पर व्यू है। इन लोगों का काम मस्जिद मंदिर बनवाना नहीं होता। सती प्रथा इसी देश में थी तो गलत थी ना? विवाह इसी देश गलत था। थी इसी धर्म में था तो हटाई गई ना। ठाकुर बनिया पंडित क्यों और आखिर हम सब खंडित क्यों? अभी हम मंदिर पे प्रवचन दे रहे थे, दलितों पे प्रवचन दे रहे थे। अगर बाबरी मस्जिद को गुंडे शहीद ना करते, मूर्ति ना रखी जाती तो सुप्रीम कोर्ट बाबरी मस्जिद में चक्कर में पड़े हैं। हो गई है जमीन। नहीं नहीं सर, अब रामलला विराजमान हो रहे हैं। आप देख रहे हैं ये देश है हमारा अमीश देवगन के साथ। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। मंगल भवन अमंगलहारी, यानी सबका मंगल करने वाले, अमंगल को हरने वाले प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा वाली मंगल घड़ी आ गई है और इसके साथ ही कई विघ्न संतोषी मैदान में कूद गए हैं और इस शुभ घड़ी में एक से बढ़कर एक विषैले शब्द बाणों की झड़ी लगा दी है। कोई कह रहा है कि बीजेपी राम को बेच रही है, तो कोई कह रहा है कि राम के नाम पर बाजार गर्म किया जा रहा है, लेकिन मुद्दा सिर्फ निचले स्तर वाले बयानों का नहीं है। समूचा विपक्ष, विपक्ष के कई नेता राम मंदिर के नाम पर क्रेडिट कार्ड लेकर घूम रहे हैं। जो कभी राम मंदिर के खिलाफ बयान देते थे उनको भी अब राम मंदिर में क्रेडिट चाहिए। कल तक जो राम मंदिर को कोसते थे वो आज राम नाम की बहती गंगा में डुबकी लगाने के लिए बेचैन है। इन सबको अयोध्या जाने का इनविटेशन भी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी के अयोध्या जाने पर इन्हें बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या राम मंदिर के नाम पर विपक्ष की डबल पॉलिटिक्स यानी दोहरी सियासत पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है। आज इसी सवाल पर जनता जनार्दन के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस ये देश है हमारा में, क्योंकि विपक्ष बेचैन है और बीजेपी पूरे गाजे बाजे के साथ कह रही है राम लला हम आएंगे। तो इस हफ्ते का ये देश है हमारा इसी विषय पर व्यूअर्स। मंदिर वही बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। पूछा नानी अब तो आप बड़े खुश होंगे, कहती है ना बेटा मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। जिस राम मंदिर के लिए आपने इतना योगदान दिया वो भी बनकर तैयार होने जा रहा है। अजब सियासी विरोध की गजब कहानी देखिए। एक वो दौर था जब पूरा विपक्ष बीजेपी को ताने देता था कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, और एक ये दौर है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख तय हो चुकी है और अब विपक्ष के सुर देखिए कैसे बदल गए हैं। इतिहास गवाह है कि बीजेपी ने श्री रामचंद्र जी को हमेशा भुनाने की कोशिश करी, सियासत में घसीटा है उनको। भगवान राम सबके हैं और किसी के पार्टी का बना लेने का मतलब है कि वो धर्म को बेचने के बराबर है। आप मंदिर में बुला के क्या राम को दिखा रहे हैं? हमारा दिल में, हमारा हृदय में राम है, नाम नाम पे राम है। भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहती थी राम मंदिर का निर्माण, वो इस मुद्दे पर हर बार वोट चाहती थी। विपक्ष की शिकायत है कि सिर्फ प्रधानमंत्री को ही न्योता क्यों दिया गया, सभी पॉलिटिकल पार्टियों को बुलाना चाहिए था। तो मंदिर ट्रस्ट की तरफ से इसकी वजह भी साफ बता दी गई। प्रधानमंत्री जी को ट्रस्ट ने
आमंत्रित किया है, सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, क्योंकि उन्हें तो रिसीव करना है, और उत्तर प्रदेश के गवर्नर, इनको दो को छोड़कर और कोई राजनीतिक व्यक्ति इस उस दिन के बैठक में नहीं होगा। तुष्टिकरण की राजनीति के कारण भगवान राम को काल्पनिक बताने वाली उन सब के लिए जवाब है 22 जनवरी 2024 श्री राम जन्मभूमि अयोध्या। जिन लोगों ने राम मंदिर का विरोध किया है, भगवान श्री राम का विरोध किया है, उनके मन में क्या बीत रही होगी ये उनसे पूछे। ये कुंठित आत्माओं को इतना ही कहेंगे कि भव्य राम मंदिर का जब शुभारंभ हो तो जाकर के वहां पर दर्शन करें और अपनी कुंठा को जो है वो ठीक करके और ठीक ठाक दिमाग से बाहर निकल पाए। सवाल ये है कि जो कहते थे अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, जो तंज भरे अंदाज में तारीख पूछते थे, वो आज इतने हैरान परेशान क्यों हैं? बड़ा सवाल ये है कि क्या राम मंदिर का असर 2024 चुनाव पर पड़ने जा रहा है? तो बात करने के लिए मेरे साथ आज मौजूद हैं कई दिग्गज मेहमान। मेरे साथ पहले मौजूद है बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक। मेरे साथ मौजूद है लेफ्ट के नेता, लेफ्ट आइडियोलॉग विवेक श्रीवास्तव जी, उनका अभिनंदन है। नेता पीस पार्टी के शादाब चौहान, साजिद रशीदी मुस्लिम धर्म गुरु, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ स्वामी दीपांकर मौजूद है, आध्यात्मिक गुरु, जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन है। और जनता जनार्दन आपका अभिनंदन है। तो टॉपिक आज का है, विषय आज का है राम लला हम आएंगे। लेकिन डॉक्टर अजय आलोक, कांग्रेस भी चाह रही थी मंदिर बन जाए, आम आदमी पार्टी भी चाह रही थी मंदिर बन जाए, समाजवादी पार्टी भी चाह रही थी मंदिर बन जाए, पूरा इंडिया अलायंस के गठबंधन का हर एक दल चाह रहा था मंदिर बन जाए। तो बीजेपी ने इसमें किया क्या है जो आपको क्रेडिट मिले? क्रेडिट कार्ड तो सबका है। देखिए, सबसे पहली बात कि राम मंदिर हमारे लिए कोई वोट का इश्यू नहीं है। बीजेपी जब नहीं बनी थी, उसके पहले जनसंघ था, उसके पहले आरएसएस, जो मर्जी आपको करना हो कर लीजिए। राम मंदिर इस देश के, इस विश्व के हिंदुओं का संघर्ष था जो 600 साल बाद आज पूरा हो रहा है। आपको क्या लगता है ये अदालती आदेश के बाद आज ये राम मंदिर बन गया तो ये बहुत बड़ी बात हो गई? मैं कहता हूं हमारे लिए शर्म की बात है कि इस राम मंदिर को, अपने राम लल्ला को मंदिर में स्थापित करने के लिए हिंदू बहुल राष्ट्र होने के बाद हमें 600 साल लग गए। क्यों, किसके कारण? क्या इस देश के हिंदू नहीं चाहते थे कि रामलला मंदिर में आए? किन साजिशों के कारण रामलला को एक झोपड़ी में बंद करके रखा गया? यही हमारा आस्था, यही हमारे आस्था का स्वाभिमान और यही हमारे आस्था के प्रति लोगों की झलक। और आज जब राम मंदिर बन रहा है तो क्रेडिट लेने के लिए तो बहुत लोग आ रहे हैं। यही कहते थे ना से 24 साल पहले, जब 1989 में जब रथ यात्रा निकली थी आडवाणी जी के नेतृत्व में। आज मैं कहता हूं 11, 23, 34 साल के बाद आज वो सपना साकार हो रहा है कि राम मंदिर बनने जा रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी के अगर जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, जो अपने पूरे जीवन काल में अगर वो एक उपलब्धि बोलेंगे, तो कहेंगे कि 34 साल के संघर्ष के बाद मेरे रहते आज मैं राम मंदिर में चला गया। हम सबकी जीवन की उपलब्धि यही होगी जी, जी। और आपने जो बोला, एक बात और मैं कह दूं जी, कि बहुत विषैले शब्द निकल रहे हैं, बहुत लोग वो कह रहे हैं बाजार में आप बेच रहे हैं राम को। वही मैं कह रहा हूं, तो एक बात मैं बता दूं, धक धक जल रही है अग्नि, धक धक जल रही है अग्नि, दिल में हमारे ज्वाला है, फुफकार नहीं बर्दाश्त हमें, हमने विषधर को पाला है, हम फुफकार बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी 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 जी, मैं रुक करता हूं विवेक जी। विवेक जी, गोलियां चलवाई समाजवादी पार्टी की सरकार ने जी, सदन में अनाउंसमेंट करी देश के प्रधानमंत्री, कांग्रेस के नेताओं ने, और बोला हम मस्जिद बनवाएंगे। अब क्रेडिट भी सबको चाहिए कि हम सब की वजह से बन रहा है राम मंदिर, कैसे मिल जाएगा बताइए? पहली चीज, सरकार का और पार्लियामेंट में चुने हुए जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, आपके एमएलएज हैं, इन लोगों का काम मस्जिद मंदिर बनवाना नहीं होता। द गवर्नमेंट इज नॉट देयर टू मेक टेम्पल्स एंड मॉस्क्स। सरकार का काम है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, आप स्कूल्स बनाइए, कॉलेजेस बनाइए, हेल्थ केयर पर ध्यान दीजिए। और यह दुख की बात है कि 2023 के अंदर जब इलेक्शन 2024 में आने जा रहे हैं तो डिबेट का विषय है साहब कि मंदिर किसने बनाया। यह दिखाता है कि हमारी मानसिकता किस दिशा में जा रही है। मेरे मित्र आलोक जी ने बोला
हिंदू बाहुल्य राष्ट्र, यह हिंदू राष्ट्र नहीं है। यहां पे फाउंडिंग फादर्स ऑफ दिस नेशन जिसमें महात्मा गांधी थे, उन्होंने एंश्योर किया कि एक आदमी का एक वोट होगा, चाहे वो हिंदू होगा या मुसलमान, एंड वी आर ऑल इक्वल सिटीजंस। इट इज नॉट अ हिंदू राष्ट्र स्टिल, थैंकफुली, एंड थैंकफुली बिकॉज ऑफ दैट, वो जैसा एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो श्रीवास्तव लिखता है, क्योंकि बाई बर्थ हम हिंदू कह सकते हैं अपने को, हालांकि मैं एक कम्युनिस्ट हूं, मैं एक नास्तिक हूं, लेकिन मैं भी अपनी बात बोल सकता हूं क्योंकि रिलीजियस बाय गॉड्स, चाहे वो हिंदू धर्म के हो या किसी और, मेरी आवाज को आज राम मंदिर बनाना, क्या राम मंदिर बनाना नफरत की बात है? राम मंदिर का एक डिस्प्यूट था इस देश के नागरिकों के बीच में था, जिसको कोर्ट ने सुलझाया जी, उसका एक पॉलिटिकल पार्टी से क्या लेना देना और क्यों लेना देना होना चाहिए? स्वामी दीपांकर, मैं कहूंगा कि आदमी में जहर इतना भर गया है कि विषधरों का वंश सारा डर गया है, और कल सुनोगे आदमी के काटने से रास्ते में सांप कोई मर गया है। तो मैं बड़ा हैरत में पड़ता हूं, इसी देश में, इसी राज्य में छोटे से झगड़े पर उलेमाओं को प्लेन भेजकर बुलवाया जाता था चार्टर्ड लखनऊ, तब कोई कुछ नहीं बोलता था। कितनी मस्जिदें बन गई उत्तर प्रदेश में, कोई एक शब्द नहीं बोला। एक तीन देवता हैं अमीश भाई, हिंदू धर्म के मानने वालों के, भगवान राम, महादेव और भगवान कृष्ण। ये हम लोगों की आस्था का केंद्र ही नहीं, हम लोगों के दिल में धड़कने वाली धड़कन जैसे टक 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 जो करती है ना, वही। और शिव हमारे शीश हैं दादा, राम हमारे प्राण और कृष्ण हमारी प्रज्ञा है, और जब अपने ही प्राण को देखकर प्रयाण प्रसन्नचित हो रहा है तो मुझे ये पीछे का ये छाया चित्र याद आ रहा है, अटल जी के वो शब्द के धरा को प्लेन करना होगा, अडवाणी की वो रथ यात्रा, और उसके सारथी बने आज वो योद्धा जिसके कार्यकाल में ये बना। किसने कहा कि 10,000 पन्ने हैं, 20,000 पन्ने, इनको ट्रांसलेशन करिए, क्यों जल्दी करवा दिया? इनका दुख यह है कि इसका फैसला आ क्यों गया? इसका फैसला तो भी और बाद में आना चाहिए था। कपिल सिब्बल के शब्द भूल गए आप लोग? भूल गए या याद है? और महात्मा गांधी की, विवेक भाई ने बड़ी जबरदस्त बात की कि महात्मा गांधी ने तो पता, महात्मा गांधी को कोट कर रहे थे। मुझे हैरत होती है पुणे की यरवदा जेल में, जब अंग्रेजों ने 1932 में कहा कि कॉम्युनल अवार्ड और सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की, तो महात्मा गांधी तत्क्षण अनशन पर बैठ गया, मरण अनशन पर, यह कह करके मैं अपने देश को जातियों में नहीं बटने दूंगा, बाय बर्थ मैं श्रीवास्तव हिंदू होने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब देश को नक्षत्र मंडल में इतने तारे नहीं है जितनी जातियों में तुमने बांट दिया, इन्हें हिंदू बनाकर रखिए तो सही, जो 500 साल प्रतीक्षा ही ये आपके शास्त्रों ने बांटा, मुझे ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने बांटा। मैं डंके की चोट पे कहता हूँ अमित भाई, आचार्य जी इन्होंने बात करी, उस आपने व्यवस्था ने बांटा जिसमें आप कहते हैं पूजा कराने का, पुजारी बनने का अधिकार एक स्पेशल जाति को मिलेगा, बाकियों को नहीं मिलेगा। ठीक है भाई, काट भी एक मिनट दादा रुकिए, एक मिनट, किस शास्त्र में लिखा है शास्त्र का बताइए, रेफरेंस दीजिए। ये जितने मंदिर आप देख रहे हैं शास्त्र का, ब्राह्मण के अतिरिक्त शास्त्र का रेफरेंस दीजिए, भगवत गीता के शास्त्र का रेफरेंस दीजिए, भगवत गीता के अंदर वर्ण व्यवस्था के बारे में बोला गया है, निकालो जरा गूगल, कौन से शास्त्र में जाति लिखी है, वर्ण व्यवस्था का निर्माण किया गया है, बताओ जरा कौन से शास्त्र में, मैंने बता दिया आपको, मैं छोड़ गया, गीता के अंदर वर्ण व्यवस्था लिखी है, देखिए आप, है ना, जाति और वर्ण है क्या, उसी वर्ण व्यवस्था से जातियां उत्पन्न हुई, लिखा है उसी से डिस्क्रिमिनेशन शुरू हुआ, नहीं पर भगवत गीता में कहां जाति लिखी है अमीश भाई, नहीं भगवत गीता में जाति कहां लिखी है, अच्छा आप किसकी बात करते हैं, आप किसकी बात, एक सेकंड, बात करी जाती है कि भारत के अंदर जातिवाद कब से है, मैं पूछता हूं, भगवान राम ने शबरी के बेर खाए, वानरों की सेना बनाई और एक ब्राह्मण रावण का वध किया क्योंकि उसने स्त्री हरण किया था, आप बात करते हैं, और भारत तो आदिकाल से जातियों में बिलीव नहीं करता, ये तो अंग्रेज आए और जातियों का द्वेष, सुनिए, और जो पूरे दुनिया में डंका बजता है ना, वुमेन एम्पावरमेंट होनी चाहिए, माँ दुर्गा भारत के अंदर ही है और भारत के अंदर ही पूजा जाता है माँ दुर्गा को, तो सोचिए किसी और धर्म में कोई स्त्री को भगवान माना जाता है नहीं, सिर्फ हिंदू धर्म एक ऐसा है जिसमें स्त्री को ईश्वर का रूप माना जाता है, ये फैक्ट है सर, सती प्रथा इसी देश में थी तो गलत थी, विवाह इसी देश गलत थी, इसी धर्म में था तो हटाई गई ना, दहेज प्रथा आज भी है, डाउरी टैक्स आज भी है, तो हटाई इसी समाज में है, इसी धर्म में है, बाकी लोगों को भी आने दीजिए, स्वामी जी 30 सेकंड दादा मुझे बोलने दीजिए, मेरा ही विषय है, बस एक बार इतनी सी कहना चाहता हूं, किसी शास्त्र में जाति का जिक्र नहीं है, ये आप सब लोग याद रखिएगा,
वर्ण का भी अपभ्रंश हो चुका है। मैं कहता हूँ पढ़िए सर, अब आप गलत है। नहीं सर पढ़िए, अच्छा बताइए क्या लिखा। मैं बता देता हूँ, एक मुझे बोलने सेकंड बोले, उसके बाद आप बोलिएगा। ये जिक्र कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 13 पन्ना नंबर 176 चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग्यशा। इसका अर्थ है कि गुण और कर्म के आधार पर मनुष्य का आकलन होगा, जाति के आधार पर नहीं। वो भी गलत पेश करते हैं। ठीक है, तो शादाब चौहान, रामलला का मंदिर बनना है और नेताओं के बयान आ रहे हैं, क्या आपको लगता है बीजेपी ने तो कुछ भी छुपाकर ढककर नहीं करा, ऐलानिया करा? बीजेपी के मैनिफेस्टो में एक बार ही नहीं कई बार रहा, ऐसा तो नहीं था कि बीजेपी छुपा रही थी कि हम रामलला के, ये तो पता ही था कि बीजेपी की सरकार अगर फुल मेजोरिटी से आएगी तो 370 भी हटेगा, चाहे कोई कितनी छाती पीट ले, राम मंदिर भी कोर्ट के निर्णय के बाद बनेगा, कोई कितना भी रोगा ले, तो फिर अब आपत्ति क्यों है? देखिए, बीजेपी तो क्लियरली बोलती है कि हमने मंदिर बनवाया, लेकिन सच्चाई एक ये भी है कि जब मूर्ति रखी गई और FIR में लिखा गया कि चोरों की तरह मस्जिद में मूर्ति रखी गई, 1949 में वो कांग्रेस की सरकार थी, जब बाबरी मस्जिद का ताला खोला गया वो कांग्रेस की सरकार थी, जब बाबरी मस्जिद को चंद गुंडों ने, दहशतगर्दों ने शहीद किया वो उस समय भी कांग्रेस की सरकार थी। और आखिरी बात मैं ये बात कहूंगा, ये बार बार क्लेम करते कि हमने किया, तो इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था क्या आपके दबाव में था? आप ये कहना चाहते हैं क्या तरुण गोगोई साहब को राज्यसभा इसलिए भेजा गया क्योंकि उन्हें आस्था के आधार पर फैसला दिया, न्याय के आधार पर नहीं दिया, इसलिए उनको गिफ्ट किया गया? क्या आप ये क्लेम करना चाहते हैं? तीसरी चीज क्या था? तीसरी चीज तो न्याय क्या है? बिल्कुल बता रहा हूं, न्याय यह था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां मंदिर होने का कोई प्रमाण नहीं मिला, कोई प्रमाण नहीं मिला कि वहां मंदिर गिराकर मस्जिद बनाई गई। अच्छा, कोई प्रमाण नहीं मिला कि 12वीं सदी से 16वीं सदी तक वहां तक क्या था, जब प्रमाण नहीं था, लेकिन मुसलमानों को जमीन वहां दे दी गई, जब मुसलमानों की या तो कहिए नहीं थी, अगर थी तो अल्टरनेट लैंड क्यों प्रोवाइड करी गई? यह साबित करता है कि आस्था की बुनियाद पर फैसला किया गया, इसीलिए हम लोग क्यूरेटिव पिटीशन। इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला, इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला क्या था? इलाहाबाद तो बीजेपी की सरकार केंद्र में भी नहीं थी, उत्तर प्रदेश में भी नहीं थी, इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला क्या था? व्यूअर्स ध्यान से सुनिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया क्या, क्या फैसला? तीनों पार्ट्स में नहीं, मेन चबूतरा किसको दिया था? मेन चबूतरा किसको दिया था? तो हम सुप्रीम कोर्ट गए, मेन चबूतरा किसको दिया था? हम डिस्कस, फिर तब किसका दबाव था? सुप्रीम कोर्ट गए ना सर, सत्य को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। 10 साल पहले भी कोई नहीं छुपा सका, और 500 साल पहले भी कोई नहीं छुपा सका। आज तक सुनिए तो कैसे तो बदलेगा? श्री राम से ज्यादा जितना प्रेम मैं कर सकता हूँ शायद आचार्य जी इसलिए नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, आपने भी कहा कि ब्राह्मण का वध किया था, और परशुराम जी से भी क्या मसला था? क्योंकि हमेशा कभी ब्राह्मण नहीं चाहता है कि क्षत्रियों का राज काम हो, इसीलिए क्षत्रिय को प्रधानमंत्री नहीं बनाया। प्रेम क्यों? आप भगवान राम से प्रेम, आपसे ज्यादा कोई क्यों नहीं कर सकता? कारण, मतलब कारण यह है कि श्री राम का और हमारा पारिवारिक रिश्ता, आस्था आपकी हो सकती है, आपका सम्मान है, लेकिन मेरा रिश्ता पारिवारिक। तो बदल क्यों गए फिर? कहां बदले हैं? मैं परिवार को मान रहा हूं, आस्था आप तो भगवान राम, लेकिन भगवान राम तो रघुवंशी थे, तो आप कहां तो बोल रहा हूं, आप कहां दूसरे वंश में चले गए? बोल रहा हूं मैं कि श्री राम के नाम पर कत्लेआम किया गया, श्री राम के नाम पर मस्जिद को गिराया गया, श्री राम के नाम पर आज गुंडागर्दी की जा रही है, और श्री राम के नाम का सौदा कर रहे हैं। सच्चाई तो ये है बिल्कुल कि हमास के लोग क्या बोलकर बम फोड़ के गए हैं, क्या बोल के उसका करके गए हैं, बम तो वहां फोड़े जा रहे हैं, वहां भी ओके स्वामी जी, हमास छोड़िए दादा, बहुत दूर है। हम ये कह रहे हैं कन्हैया का राजस्थान में क्या बोलकर किया गया, ये तो राजस्थान नजदीकी है, किसी ने फेवर किया उसका? खैर, अरे भाई साहब आप बात क्या कर रहे हैं, आप बात क्या कर रहे हैं? मैं तो इतना मात्र कहना चाहता हूँ, ठीक है आपकी अपनी इच्छा शुभेच्छा है, मगर इस देश की आस्था को अब शब्द बोलने का इजाजत किसी को नहीं है। और इजाजत क्यों मिलता आप लोग जानते हैं? इसलिए मिलता है कि हम लोगों को बांट दिया जाता है। राम भद्राचार्य जी हैं तुलसी पीठ के, और उनकी गवाही के बाद ही रामलला विराजमान हो पाए, इसलिए उन्हें शत नमन है। उन्होंने प्रधानमंत्री का आज जब स्वागत कर रहे थे चित्रकूट में, उन्होंने बोला कि मेरे सामने अगर भारत मां खड़ी हो तो मेरा पहला नमस्कार भारत मां को होगा, अगर प्रभु राम और भारत मां खड़ी हो तो मेरा पहला नमस्कार भारत मां को होगा। क्या आपको लगता है रशीदी साहब, जो सवाल है इस समय कि भगवान राम इस देश की वास्तविकता है, भगवान राम इस देश का परिचय है, भगवान राम इस देश की आस्था है, और भगवान राम का भव्य दिव्य मंदिर जब स्वरूप ले चुका है, मंदिर बन रहा है, 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, तो रोने से क्या होगा, तो बुरा भला बोलने से क्या होगा, तो गाली देने से क्या हो जाएगा, कुछ बदल जाएगा क्या?
देखिए, राम के अस्तित्व को कौन नहीं मानता? सैकड़ों साल पहले अल्लामा इकबाल ने इमाम हिंद कहा उनको, इसमें कोई दो राय नहीं है, हर आदमी मानता है। लेकिन जिस राम की बातों को लेकर आप कहते हैं कि साहब राम जी ने शबरी के झूठे बेर खाए जी, ये कौन से राम के वंशज हैं? ये कौन से राम को मानने वाले हैं जो दलित के तो बेटे को इसलिए मारते हैं कि वो टोंटी से पानी पी ले? पक्ष के नेता कह रहे हैं कि बीजेपी बेच रही है राम को। ये कौन से राम के वंशज हैं? ये कौन से राम को मानने वाले हैं कि हमारे देश के राष्ट्रपति को मंदिर में जाने ना दिया जाए? किसने मंदिर में नहीं जाने दिया? आपने देखा नहीं? आप देखे अनदेखी कर रहे हैं। अरे कितना बड़ा वाकया, कितना चर्चित। आप किस तरह अनजान बन जाते हैं जरा इस देर में? अब सुनिए मेरी बात, देश के राष्ट्रपति की बात करें, जिम्मेदारी से। यस, मैं बड़ी जिम्मेदारी से करिए बात, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। और आज भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, प्राइम मिनिस्टर गए हैं, जाएंगे 22 में, क्या देश के राष्ट्रपति को बुलाएंगे? 22 में नहीं, 24 में। 22 तो चला गया, 2024 में, 22 जनवरी में, जनवरी 22 24 जी, साल 2024 जी, मैं गलत नहीं हूँ, क्या देश के राष्ट्रपति को नियंत्रण देंगे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, बीजेपी एक मार्केटिंग करने वाली पार्टी है। सारा काम किया है कांग्रेस ने, जैसे अभी शादाब चौहान ने बताया, सारी दुनिया जानती है, लेकिन कांग्रेस उसकी मार्केटिंग नहीं कर पाई, बीजेपी ने मार्केटिंग कर ली। अब मैं जरा कुछ, और उस मार्केटिंग का फायदा उठाकर जिस जज ने उसका फैसला सुना उसको राज्यसभा। मतलब आप कह रहे कांग्रेस मार्केटिंग नहीं कर पाई, इनडायरेक्टली आप कह रहे कांग्रेस में अकल नहीं है, मतलब यही कह रहे हैं। अगर मार्केटिंग ना करे आदमी, क्या कह रहे हैं आप? अगर कोई मार्केटिंग करने वाला अच्छा ना हो तो बेवकूफ होता है? तो फिर अब क्या कहना, आप बताइए ना मुझे, नहीं कहना क्या आपका रहे? जो विश्लेषण है, नहीं मेरा विश्लेषण नहीं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं आपसे। अगर कोई अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग अच्छी ना कर पाए तो वो बेवकूफ है। ओके, मेरा ये पता नहीं कौन से वो लेके आते हैं। ठीक है, ठीक है, अच्छा, इन्होंने कांग्रेस पार्टी को बेवकूफ कहा है उससे मुझे मतलब नहीं है। मेरी एक आपत्ति है, मेरी बहुत एक सीवियर आपत्ति है, अब बुरा मत मानिएगा। मैं क्यों मानूंगा बुरा भाई? नहीं, क्योंकि आप बता रहा हूं, मैं को मंदिर में जा रहा हूं, मैं बुरा मंदिर मानूंगा? एक मिनट नहीं, देखिए ये बीच में नहीं, जी जी जी, मस्जिद में कौन पूजा करेगा, कौन मौलवी रहेगा या नहीं रहेगा, क्या हम हिंदू डिसाइड करेंगे? मुसलमान तो डिसाइड नहीं कर रहा है। कैसे इन्होंने कहा कि दलित को नहीं मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा, इनको क्या पता? मैंने कहा, मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट उसमें मैं आ रहा हूं, हम इनके धर्मों के विषय में इंटरफेयर नहीं करते हैं, ये इतने कट्टर हैं कि अगर इनके धर्म के बारे में गलती से किसी के मुंह से निकल जाए तो सरतन से जुदा के नारे लगने लगते हैं, ये हमने देखा है। कंडम किया है उसको। और एक मिनट, हम नहीं चाहते हैं कि ये तय करें कश्मीरी, ये कौन होते हैं बोलने वाले? एक मिनट, ये क्यों बीच में बोल रहे हैं यार? आपको जब आप कश्मीरी जिहाद को गलत बोलेंगे तो किसी ने नहीं जोड़ा, मुसलमान कट्टर क्यों है? मैं आपकी बात कहते हैं, मुसलमान का नहीं कर रहा हूं, आपकी बात बोलूंगा मैं, आपकी बात, मैं मुसलमान नहीं हूं। दूसरी बात, हमने तो कभी नहीं कहा, पर आप पूरे मुसलमान समाज को नहीं, मुसलमान आप मुस्लिम समाज को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मुसलमान नहीं, आप अपनी विचार रख रहे हैं, टेका नहीं ले सकते, ठीक है, आप ले रहे हैं हिंदू का टेका, मैं तो ले रहा हूं। अब एक मिनट, ले रहा हूं मैं, कह रहा हूं एक मिनट, तो मैं भी ले रहा हूं एक मिनट, उसमें क्या दिक्कत? मैं, हमने तो कभी नहीं कहा कि भाई, हमने तो कभी नहीं कहा कि शिया सुन्नी एक दूसरे की मस्जिद में नमाज पढ़ने क्यों नहीं जाते हैं, हमने तो कभी नहीं कहा अहमदिया क्यों नहीं शिया के मस्जिद में जाते हैं या सुन्नी के मस्जिद में जाते हैं, ये कौन होते हैं बोलने वाले, ये कौन होते हैं बोलने वाले? मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट, एक मिनट, मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट में बोला कि राम मंदिर न्यास का पहला शिला एक शेड्यूल कास्ट के लोग ने डाला, कामेश्वर चौपाल, उस पर तो जमान नहीं आती, और कहते हैं कि दलित, एक मिनट, उसके बाद कहते हैं, अरे आप तो शुरू से नास्तिक रहे, आपको तो इस देश के धर्म से मतलब ही नहीं है, आपकी बात क्या करनी है? इनको तो राम मंदिर बनने से चिढ़ है। राम भद्राचार्य जी ने बोला है, एक बयान दिया, उन्होंने बोला कि गीता को राष्ट्र ग्रंथ घोषित कर देना चाहिए, अभी तो रामलला विराजमान हो रहे हैं, मंदिर बनके तैयार हो रहा है, कितनी हायतोबा मची हुई है, गीता को राष्ट्र ग्रंथ घोषित करना चाहिए। उन्होंने बोला, उनके वर्ड ये हैं, गीता राष्ट्र ग्रंथ घोषित करें, मेरा मेरे मित्र से ये प्रार्थना है, मतलब वो प्रधानमंत्री मोदी को संबोधित करते हुए उन्होंने बोला। तो मैं समझता हूं कि भारत के लोगों के लिए श्रीमद् भगवद गीता अपने आप में एक अद्भुत और अनोखा ग्रंथ है जो जीवन जीने की पद्धति के साथ, क्या है, गीता को राष्ट्र ग्रंथ घोषित कर दिया जाए तो दीजिए ना जी, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चाहते, हम डिसाइड करेंगे सर, आप क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, क्या बोलेंगे,
करेंगे, किस दिन नॉनवेज की दुकान खुलेगी, किस दिन क्या बंद हो गया, ये डिसाइड करना चाहते हैं। सोचिए कि डिबेट की स्थिति क्या है। अभी आप इनके डिसाइड करने पे बोल रहे हैं? नहीं नहीं, यही तो करते हैं सेंचुरी से। अभी तो ना बोलने पे बोल रहे हैं, तो करते आए हैं सेंचुरी से, सदियों से क्या करते आए हैं। सोच रहा हूं, छुओ स्वामी विवेकानंद ने कहा था, हिंदू रिलीजन हैज बॉइल्ड डाउन होम टू टच होम नॉट टू टच, व्हाट टू ईट व्हाट नॉट टू ईट। मुझे जवाब दे। उन्हीं विवेकानंद ने यह भी कहा था कि जब कोई धर्म बदलता है, आगे कहूं तो दुख होगा, नहीं नहीं कह दीजिए, जब कोई धर्म बदलता है तो हिंदू धर्म का समक्ष एक शत्रु खड़ा होता है। उनकी बात से इत्तफाक रखते हैं? नहीं नहीं, उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने ये भी कहा। अब मैं अपनी बात क्या दूं? नहीं सुन लीजिए, अब मैं आप अपने टाइम पे बोलिए। अब हम अंबेडकर जी शत्रु थे? नहीं, अब अंबेडकर जी की सुनिए। नहीं शत्रु थे, अब अंबेडकर जी की सुनिए। जिस दलित दलित कहकर आपका 5-4 मिनट बीता, उन्होंने ही अपनी पुस्तक हुआर शूद्रा के चैप्टर नंबर 1 पैराग्राफ नंबर 3 में कहा कि उस शूद्र का जिक्र एक आम आदमी से है ही नहीं। गलत बोल बोल के तो आदमी को भड़का रहे हो दादा। और ठाकुर मतलब दलितों के खिलाफ हुआ ही क्या कहानी आपके बीच में? क्या कहानी है? आप उनको एक मिनट बोलने दीजिए ना दादा। ठाकुर बनिया पंडित क्यों और आखिर हम सब खंडित क्यों? हम लोग हिंदू थे, हिंदू हैं और हिंदू रहेंगे, बांटने से बटेंगे नहीं। जाति की काट आपको लगता है राम है? दादा मैं समझता हूं कि राम से बढ़कर है कौन, बताइए कौन से राजा, रजवाड़ा या राजा के यहां वो ठहरे, किसके यहां ठहरे, आदिवासी, बनवासी, गिरवासी, मल्ला, केवट के यहां वो ठहरे। इसलिए राम राम थे और मर्यादा पुरुषोत्तम थे। एक में वो चीज समाज दादा नहीं हुई, एक हाथ कंगन को, हाथ कंगन को ऊपर ब्लेम कर देने से, कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये सामने यूथ बैठा है, हिंदू होने में बिलीव करते हो या जाति में? इन्हें थोड़ा तेज बोलो, सुनता नहीं है। भारत में विश्वास करते हो दादा कुछ? भारत में विश्वास करते हो या बटने में विश्वास करते हो? भारत में करते हो ना तो बटो मत। हाँ, बटो मत। मैं रोचक है और संविधान को फॉलो करो। ताली बजाऊं यार, मेरा मन कर रहा है मैं ताली बजाऊं। गजब मतलब के इतना गजब मैंने भी तो कह रहे हैं बांटो ना। नहीं ये तो बांट ही रहे हैं, इतना गजब ये सदियों से बांटते आए हैं। मैं सत्ता में रहने के लिए एक धर्म की आड़ में ये सदियों से बांटते आए हैं। जी जी, रूल करते आए हैं। इतना सुनिए, हर चीज में से बोल दो। अब एक एक अब एक इतना सुनिए। आज 337 दिनों से जातियों में बैठे हिंदुओं को एक कर रहा हूं। ये यहां स्टूडियो में, एसी स्टूडियो में बैठकर कह रहे हैं बांटने आए हैं। और इन्होंने क्या काम किया जिससे हिंदू एक हुआ हो? हर रोज कहते हैं कास्ट सेंसस कराएंगे, हर रोज कहते हैं जातीय गणना कराएंगे और जातीय गणना कराएंगे। जरूरी मैं एक बात कहना चाहता हूं, वेलफेयर के लिए कास्ट सेंसस जरूरी है। मां भारती के रक्त के बिंदु बांटे जाएंगे, जातियों में बांटकर अब हिंदू बांटे जाएंगे। जी जी, लेकिन 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 क्या ये शदाब, आपकी बात में आता हूं। मेरा बहुत सीधा और डायरेक्ट सवाल है आपसे, और सवाल यह है, क्या यही काट है जो जातीय जनगणना हम लाएंगे लेकिन यह कह रहे हैं रामलला हम आएंगे? क्या राम जातियों की भी काट है जो इंडिया गठबंधन विपक्ष करना चाह रहा है? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं कि श्री राम ने कभी भी भेदभाव नहीं किया। सबरी के बेर खाए हों, चाहे आदिवासी मल्ला केवट के यहां विश्राम किया हो, उसके यहां अपनी रात गुजारी हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आज सरकार में बैठे हुए लोग वही कर रहे हैं। मेरा आज सवाल भी है। हाँ, आज क्या हो रहा है? उन्होंने सीता जी की रक्षा के लिए रावण का वध किया था, लेकिन आज उत्तर हिंदुस्तान के अंदर हर घंटे चार घटनाएं ऐसी होती है जहां महिलाओं का उत्पीड़न किया जाता है। रोजाना डकैती डलती है, हत्याएं होती हैं, अपराध होता है, अपराध मुक्त नहीं हुआ है। जिस दिन श्री राम से सच्चा प्रेम होगा, उस दिन महिलाओं के लिए कुछ ऐसा कार्य करेंगे जिससे महिला सुरक्षित। जिस युग में हम ऐसी बात कर रहे हैं, हम सपना देखने की बात कर रहे हैं कि कोई अपराध नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, जब राम का भी युग था तब भी सीता हरण हो गया था, लेकिन हरण भी रावण का हो गया था। हम क्या बात कर रहे हैं? राम राज्य तब होगा जब एक भी कुछ नहीं होगा। मतलब नरेंद्र मोदी से उम्मीद लगानी तो ठीक है, लेकिन आप तो ऐसी उम्मीद कर रहे हैं। कांग्रेस से कि आप क्रेडिट लेना चाह रहे हैं राम मंदिर, कि आप राम मंदिर के नाम पे क्रेडिट लेना चाह रहे हैं और आप रामलला को अब अपना बता रहे हैं, पर जब राम मंदिर का केस चल रहा था तब आपने 20-20, 28-28 लॉयर हायर किए थे कि राम मंदिर ना बन पाए, तब रामलला आपके नहीं थे। पब्लिक को कैसे चुप कराएंगे बताइए विवेक जी, कैसे क्रेडिट मिल जाएगा कांग्रेस को? मैं फिर यही कहूंगा, कोई क्रेडिट नहीं ले रहा है, कोर्ट का एक डिसीजन था। ये हमारा जो देश है ये बहुत डाइवर्स है, अनेकों जातियां, अनेकों धर्म, डिस्प्यूट्स थे, डिस्प्यूट्स आते रहेंगे। हमारी एक व्यवस्था है, हमारा मीडिया है, हमारे कोर्ट्स हैं, हमारी एग्जीक्यूटिव है। लोग 10 सेकंड, 10 सेकंड। मैं फिर एक्सपोज ही करूंगा। मैंने बोला ना आज लड़ूंगा नहीं, फिर एक्सपोज करूंगा। इन्होंने कहा
जब बात हुई कि गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कर दिया जाए, उन्होंने प्रधानमंत्री से मांग की। इन्होंने कहा ये संविधान बदलना चाहते हैं, संविधान बदलना चाहते हैं। एक बार बताइए कोर्ट में किसकी शपथ ली जाती है कि मैं जो कुछ कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा? तो गीता संविधान का हिस्सा नहीं है? नहीं नहीं, तो वो राष्ट्रीय ग्रंथ हो गया तो संविधान बदल जाएगा? ये इनकी सोच। वक्त है अंतराल का, लेकिन ब्रेक के उस पार सवाल होंगे और एक बड़ी खबर भी होगी। आप देखते रहिए वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा, न्यूज 18 पर। नमस्कार व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। और कहा जाता था बीजेपी से, रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, लेकिन तिथि नहीं बताएंगे। लेकिन 22 जनवरी की तिथि तय हो गई है, इस दौर में उसकी बात करेंगे। कांग्रेस के वक्ता से सवाल है विपक्ष से सवाल है मेरा कि आप अभी तो राम के क्रेडिट की बात करते हैं, लेकिन आप ही ने 2008 में सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि राम काल्पनिक है, तो आज आप क्रेडिट की बात कैसे कर सकते हैं जब आपने राम को काल्पनिक माना है? ये कांग्रेस ये जो कोर्ट वाला था, हालांकि आप कांग्रेस के नहीं है, लेकिन कांग्रेस को कैसे क्रेडिट मिल जाएगा? आप खुद जानते हैं कांग्रेस ने क्या क्या कर्म करे हैं। मैं तो कई बार कह चुका हूं कि कांग्रेस का हाल ये हो चुका कि ना वो इधर के रहे हैं ना उधर के रहे हैं। सारा पूरा जो प्रक्रिया है वो कांग्रेस के दौर में हुआ। अगर बाबरी मस्जिद को गुंडे शहीद ना करते, मूर्ति ना रखी जाती, तो सुप्रीम कोर्ट बाबरी मस्जिद के चक्कर में पड़े हैं, में डिसीजन हो गई है जमीन। नहीं 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 सर, अब रामलला विराजमान हो रहे हैं। सुन लीजिए, काम को सुन लीजिए, हम अपनी जनरेशन को बताएंगे, सुनिए, हम जनरेशन को बताएंगे, अपनी आने वाली नस्लों को बताएंगे कि बाबरी मस्जिद थी और हमारे लिए हमेशा ता कयामत तक बाबरी मस्जिद रहेगी। ये मेरा बिलीफ है, आपकी आस्था, आप कुछ भी करिए, लेकिन मेरे लिए मस्जिद पर हम संविधान को मानते हैं। और अभी आप कह रहे हैं मुझे हमारे लिए तो कोर्ट के निर्णय के बाद भी वो बाबरी मस्जिद रहेगी, यही आपको एक्सपोज कर देता है। नहीं तो फिर इसी संविधान ने दूसरी जगह दी है तो उसको मारिए मस्जिद, तो रामलला के मंदिर को आप मस्जिद क्यों मारेंगे? यानी आने वाली नस्लों को भी भड़काएंगे। अरे महाराज सुन, आने वाली नस्लों को भी भड़काएंगे। अरे महाराज सुन तो लीजिए, सुना दीजिए। इसी संविधान ने मुझे इजाजत दी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट आपकी आस्था के खिलाफ फैसला करे या संविधान के खिलाफ फैसला करे तो आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं। इसी संविधान ने मुझे इजाजत दी है। अमित शाह जी तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैं नहीं बोल सकता? मैं तो बोलूंगा, मेरी आस्था है, फैसले देने चाहिए। बाबरी मस्जिद मेरी आस्था है और मेरी आस्था को कुचला गया, और जिसने उस आस्था को कुचला है उसको ठीक है। स्वामी जी बात कह रहे कि हम ताउम्र तक बताएंगे कि वो बाबरी मस्जिद थी, आने वाली नस्लों को जवाब। मैं समझता हूं कि आगे आने वाली पीढ़ियां और नस्लें बेहद एजुकेटेड होंगी, उलझेंगी नहीं। दो तरफ होगा, एक तरफ क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो ऐसे, मगर ऐसे ना हो कि जहां फिर से डिवाइड जैसे सिचुएशन हो। आज जब राम मंदिर बन रहा है तो उस पर इतनी उंगलियां उठ क्यों रही है? अगर राम मंदिर इतने सालों बाद बन गया है तो क्या तकलीफ है उसमें? और अगर आप कहते हैं कि दलित को राम मंदिर में नहीं एंटर करने दिया जाएगा, आप संविधान की बात करते हैं, संविधान लिखने वाले भी एक दलित थे, और अब जब आप ये कैसे कह सकते हैं कि राष्ट्रपति नहीं जाएंगे राम मंदिर में, कैसे कहा? जी जी, जवाब जवाब रशीदी साहब। यही सबसे बड़ा दुख है कि जिस दलित ने हिंदुस्तान को संविधान दिया, आज उसी दलित के मानने वाले लोगों को इस तरह से कुचला जा रहा है और इस तरह से उनको मंदिर में एंट्री देने की बात नहीं की जा रही है। इवन राष्ट्रपति जी को रोक दिया जाता है, राष्ट्रपति जी को रोक दिया जाता है। आप झूठ सुन रहे हैं अमीर जी, राष्ट्रपति जी को बोल रहा था कि नहीं लड़ूंगा, लेकिन ये बार बार झूठ बोल रहे हैं। इस देश में किस दलित को मंदिर में घुसने की अनुमति नहीं है? झूठी होता है। इस देश में किस दलित को मंदिर में घुसने की अनुमति नहीं? बार बार झूठ बोल रहे हैं। तरीके से रखिए, माननीय राष्ट्रपति की बात है, इसलिए मेरा निवेदन है राम मंदिर बार बार झूठ बोल रहा है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये झूठ है। हमारी धार्मिक प्रतिष्ठानों पे बिल्कुल अधिकार नहीं रोका गया था, झूठ है। नहीं 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 नहीं, गूगल कर अंबेडकर जी ने हिंदू धर्म को मेरे शहर में त्रिपुर मां बाला सुंदरी का सिद्धपीठ है, अभी वहां मेला भरा था, वहां हर व्यक्ति आया सर, और किसी ने आधार कार्ड नहीं देखा। सवाल किसी ने आधार कार्ड नहीं देखा जी। इस तरफ से पहला सवाल आया, आपका भी सवाल है मैडम, आपका भी है।
ओके बोलिए सवाल क्या। मेरा प्रश्न स्वामी जी से, आपने कहा कि हमें कोई भी जाति के अंदर भेदभाव नहीं है, तो मैं बताना चाहूंगा कि जब पुराने जमाने के अंदर लोगों के गले में हांडिया और पीछे झाड़ू बांधी जाती थी, वो लोग कहां से आते थे, वो कहां से आते थे, और अम्बेडकर जी ने जिसके लिए तालाब का पानी पी के अनशन किया था वो कौन थे? तुम ना बोलते, वो द्रविड़ों की पीढ़ी है जिसकी बेटा तुमने बात करी है, इनको नहीं दिखता। मतलब जब मैंने कहा उनकी भी सोचो तो कहते हैं मैं उनकी सोचो तू। आप स्वामी जी आप उत्तर दीजिए। हाँ वही हम कह रहे, तुम बोले भी क्यों नहीं, बोलते जोर से बोलो, सुनाई कम देता है। सुनिए नहीं दादा, हमें बराबर सुनाई देता, आप नहीं बता पाते कुछ कहानी, और मैं बोलना भी नहीं चाहता। छोड़िए मैं एक काम की बात बताता हूँ, उस समय में जो घटना घटी दादा उसकी वजह से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मगर आज को क्यों बिगाड़े, आज तो एक होकर चल सकते हैं। आज जातिवाद बोलने नहीं, ये देखिए साम्राज्यों तो वही जाकर बोलूं सवाल, उसके कान में जाकर बोलूं, उसके कान में जाकर बोलूं, बहुत ही गलत बात हो गया जातिवाद। इधर आइए आप जवाब, एक सेकंड आपका संवाद, आपने जो सवाल पूछा मैं दादा आपसे कहने के लिए यहीं आ गया, उस समय जो हुआ गलत होना नहीं चाहिए। कोई इस देश में दलित नहीं था दादा, इस देश में शबरी के झूठे बेर खाने वाला इस देश का त्रिलोकीनाथ था जिसके हाथ में त्रिशूल है। मगर फिर भी एक बात कहूंगा कि अगर जो कुछ पूर्व में हुआ, दलित में एक बच्चे देहरादून में एक बच्चे को अंदर जाने से रोका गया, मैं खुद जाकर के उसे भीतर दर्शन करा कर लाया। मैं एक चीज कह सकता हूं, हम चीजों को सुधार सकते हैं ना, हम सुधार सकते हैं। ये खड़े हैं भाई साहब, इनसे पूछिए हमारे उस अपने कॉलेजों में कहे हमारे नाम का आरक्षण खत्म कर दिया, 2% तक आए उड़ा दिए, पूछिए इनसे। और क्या कहकर गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनकी एक पुस्तक थी, अंबेडकर जी को आप मानते हैं जरूर सुनिएगा, उनकी एक पुस्तक थी भारत और पाकिस्तान का विभाजन, उसे पढ़िएगा, आपको इनकी बातें झूठ और आप जब भी बोलेंगे आप यूं हंसने लगेंगे। सवाल मेरा भी स्वामी जी से ही है। क्या सवाल है? इन्होंने बोला था कि मणिपुर वाली जो महिला का वीडियो लीक हुआ था उसपे प्रधानमंत्री को इन्होंने 1.5 घंटे बोलते हुए देखा, बिल किस बानों के अपराधियों को फूलमाला पहनाएगी उसपे प्रधानमंत्री को बोलते हुए आपने कब देखा? नहीं इनको इंटरेस्ट नहीं, बताइए मुझे। और दूसरा आप कह रहे हैं कि श्री राम ने शबरी के बेर खाए, मैं भी एक हिंदू हूँ पर मैं अपने धर्म को लेकर कट्टर नहीं हूँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि लक्ष्मण जी ने क्यों नहीं खाए थे, उनके मन में शंका क्यों आई? अब मैं अपनी बात कहूँ लक्ष्मण, सवाल जवाब, ये मैं बड़ा प्रसन्न हूँ कि तार्किक प्रश्न, और इसका उत्तर भी मैं देवी जी तार्किक ही दूंगा। जब राम साथ में हो तो लक्ष्मण की हिम्मत नहीं कि वो एक कदम भी बढ़ा दे, क्योंकि हम लोग किस नहीं मैं कंप्लीट कर दूं कि हमसे जब पूछा गया कि आप राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न की बात करते हैं, वो भी चार भाई थे, और भी चार भाई थे, उनकी चर्चा क्यों नहीं करते? हमारे में और उनमें थोड़ा सा फर्क है, हमने पिता के सामने तस्तरी में सजा करके उनकी गर्दन नहीं बेची। बिल्किस बानो पे क्या बोलेंगे? अब बिल्किस बानो पे भी बोल देता हूं दादा, मैं एक चीज कहता हूं, चाहे देश की बेटी कोई हो उसमें हिंदू और मुस्लिम में कोई फर्क नहीं, बेटी बेटी होती है, सबको उतनी ही पीड़ा होनी चाहिए। मगर 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 अब आगे अब आगे बोलने दीजिए दादा, ऐसे कोई ना सरकार ने गलत किया, अच्छा जी जी बोलने दीजिए, जरूरी है, जरूरी जरूरी है बोलना, जी जी बोलिए, क्योंकि मौके पर टोकते हैं, ये प्री प्लान है सब। नहीं 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 आप ये नहीं, क्या होता 2 मिनट उनके बारे में बोलिएगा, अच्छा किया गलत किया, मैं सिर्फ इतना बोल दीजिए, अब मैं एक बात अच्छा किया गलत किया, एक बात तुमसे कहना चाहता हूँ, जी 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 साक्षी है दिल्ली की लड़की, तुम जानते होंगे दिल्ली में कितने चाकू मारे उसके माथे में, किसने कंडम किया पूछिए, आपके शो में सुने आगे आगे विषय पर आते हैं, क्योंकि बात हुई राम और लक्ष्मण की, बात हुई राम और लक्ष्मण की, तो भारत जैसे मुल्क ने, भारत जैसे देश ने, भारतवर्ष ने चार भाई देखे, एक राम लक्ष्मण और भरत देखे, एक दारा शिकोह और औरंगजेब देखे, औरंगजेब और उसके भाई देखे, एक भाई ने अपने भाई का सिर काट के अपने पिता को गिफ्ट भेज दिया जेल के अंदर, और दूसरी तरफ भरत ने खड़ाऊ रखकर अपने भाई की राज करा, तो हम अपने घर में कौन चाहते हैं, राम भरत और लक्ष्मण चाहते हैं या औरंगजेब चाहते हैं, यह निर्णय हमें खुद करना है अपने अपने घरों के अंदर, कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, निर्णय वो खुद करे कि उसे अपने घर में अपने बच्चे कैसे चाहिए, राम लक्ष्मण भरत जैसे चाहिए या औरंगजेब जैसे चाहिए, निर्णय मैं आप पे छोड़ता हूं, मैं सिर्फ फैक्ट्स बता रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने चित्रकूट में कहा और बड़ी महत्वपूर्ण बात बोली, और प्रधानमंत्री ने बोला कि संस्कृत जैसी भारत की संस्कृति को पिछड़ा बताने वाले 1000 साल से हारते आए हैं और आगे भी हारेंगे। गुलामी के 1000 साल के कालखंड में भारत को तरह तरह से जड़ों से उखाड़ने का प्रयास हुआ है,
इन्हीं में से एक था संस्कृत भाषा का पूरा विनाश। इस मानसिकता के लोग पिछले 1000 साल से हारते आ रहे हैं और आगे भी कामयाब नहीं होंगे। लेकिन अब मैं आपको विपक्ष के दो दिग्गज नेताओं के दो पुराने बयान सुनाता हूं, जिसे सुनकर आपको विपक्ष की डबल सियासत यानी दोहरी सियासत और राम मंदिर के नाम पर दोहरे चरित्र का अंदाजा लग जाएगा। सुनिए, ये दोनों बड़े फेमस नेता हैं। जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है, ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। I also believe that no good Hindu would have wanted to see that temple built by demolishing somebody else's place of worship. जी, अब दीपांकर साहब, इन सबको क्रेडिट चाहिए, डॉक्टर अजय आलोक, इन सबको क्रेडिट चाहिए चाहिए। अरविंद केजरीवाल कह रहे थे मेरी नानी को पसंद नहीं आएगा इस तरह का मंदिर जो बनेगा, लेकिन अब तो अरविंद जी भी जाना चाहते हैं, कांग्रेस के नेता भी जाना चाहते हैं, सब जाना चाहते हैं और सब इन्विटेशन भी चाहते हैं। देखिए, हमारी संस्कृति, जो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि 1000 साल से लोग कोशिश करते आए कि संस्कृति की संस्कृति को नष्ट करने की, तो इसका क्या मतलब है? ये हमारे अजय भारत की संस्कृति है जिसमें पूरा हिंदुस्तान शामिल था, जिसको हम अखंड हिंदुस्तान कहते थे, जिसको इन जैसे लोगों ने बांटते 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 करके अब इतना छोटा सा कर दिया है, लेकिन हमारी संस्कृति खत्म नहीं हुई। और ये देखिए, कम्युनिस्ट जो खुद खत्म हो रहे हैं, बीच में चिल्लाना शुरू, कम्युनिस्ट बीच में चालू हो, आपके कह रहे हैं इनका अस्तित्व है नहीं, पर ये तो प्रधानमंत्री ने नहीं बोला, आपके कह रहे हैं सरकार की परमिशन के बिना, एडमिनिस्ट्रेशन की परमिशन के अगर एक भीड़ जाती है, चाहे मस्जिद हो या मंदिर, और उसको तोड़ती है, विध्वंस करती है, नारे लगाती है सिर्फ पॉलिटिकल गेन्स के लिए, क्या वो सही है? आपको अगर अगर आपको उस मस्जिद को हटाना था, कोर्ट के थ्रू हटाते, समर्थन कर रहे थे, आप भीड़ लेकर के गए, आप भीड़ लेकर के गए और आपने उस स्ट्रक्चर को तोड़ा, वो गलत था, सेवकों पे गोलियां चलाई, वो ठीक है, एंड आई एम सेइंग दैट इट वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, यू डिस्ट्रॉयड द कॉन्स्टिट्यूशन दैट डे, सिर्फ इसलिए कि आपको वोट मिले, इसलिए कि आपको वोट मिले, पर इनकी तो सरकार गिरी। लेकिन 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 सत्य क्या है विवेक जी? विवेक जी, सत्य क्या है कि जिस दिन वो ढांचा गिरा था, उसके बाद बीजेपी की एक नहीं चार सरकार के बर्खास्त कर दी गई। सुनिए, क्यों ढांचा गिरा? क्यों पांच सरकार गिरा गई थी? क्यों क्यों गिरा ढांचा, बताइए? और क्यों ढांचा? कल्याण सिंह ने रिकॉर्ड क्या कहा था? क्यों कल्याण सिंह ने ऑन रिकॉर्ड क्या कहा था? कल्याण सिंह ने बोला रामलला के लिए एक सरकार, क्या भीड़ को ले जाकर के, भीड़ को ले जाकर के कैसे मिल जाएगा? जिसको मस्जिद कह रहे थे उसको तोड़ा गया। डॉक्टर जी, अब जितना अब जितना ये जितना अब ये जितना विलाप करेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये मंदिर बनने वाला है। मैंने जब जब देखेंगे ना इनकी उम्र घटेगी। मैं बोला मैं लड़ना नहीं चाहता, आप विलाप करिए संविधान को, और विलाप करिए, विलाप पढ़ा लिखा हिंदू, विलाप कीजिए, विलाप विलाप के साथ होने वाला नहीं है। सच्चाई है कि राम मंदिर बनने जा रहा है। एवरी एजुकेटेड मुस्लिम इन पाकिस्तान, यू गॉट योर टाइम, विवेक जी, माय हंबल सबमिशन, यू गॉट योर टाइम, लेट हिम रिस्पोंड। 46 जी, आज की तारीख में जो आदमी खुद कहता है कि मैं एथिस्ट हूं, नास्तिक हूं, मैं हिंदू धर्म में हूं, लेकिन हिंदू धर्म मानता ही नहीं, उसे क्या बात करना है भाई? तो क्या हम लोग अपने श्रद्धा को मानते हैं? हमारे श्रद्धा का अपमान करने के लिए बैठ गए, हमारे श्रद्धा का अपमान करने बैठ गए? आपको नहीं, आपको कंट्री के, आपका कंट्री दुर्भाग्य है कि आप इस देश के, दुर्भाग्य है कि आप इस देश के, आप कम्युनिस्ट, आप कलंक है इस देश का, कलंक है इस देश का, ये जितने कम्युनिस्ट हैं कलंक है इस देश में, इसीलिए विश्व सेवन का समापन हो रहा है। अरे वर्ल्ड में खत्म हो रहा है, अपोज करिएगा, आपके अपोज करने लायक है, हम अपोज करेंगे, अपोज करने लायक है, बिल्कुल आप भी करें। जब ये तारीख पढ़ेंगे लोग तो ये भी कहेंगे कि जो झूठ फैलाया गया था कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी नकारा है कि हमें ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला। एंड में फैसला क्या है? तारीख लिखी जाएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तारीख और फिर तारीख क्या दिया? मैं बता रहा हूं जी, जी। और फिर तारीख लिखने वाला ये लिखेगा कि दुर्भाग्य से उस वक्त की सरकार के दबाव में सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा फैसला आया जिसके नतीजे में सुप्रीम कोर्ट सरकार के दबाव में, सुनिए, ये बड़ा आरोप लगा रहा है, बोला मत कीजिए बीच में, मैं बोलूंगा ना बीच में, आपकी बात, आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट दबाव में था और आप कह रहे हैं भारत के संविधान पर बात नहीं होती, उसको जाने नहीं देते, बिल्कुल बोलूंगा मैं, मेरा बनता है बोलना, जाने नहीं देना चाहते, बनता है मेरा बोलना, आप बीच में बोल जाते, बिल्कुल बोलूंगा मैं, आप मेरे देश के राज्यसभा क्यों दी गई, हम बोले भी ना, राज्यसभा क्यों दी गई, क्यों नहीं दे सकते, क्यों दी गई, क्यों नहीं दे सकते, बताइए, हम राजनीतिक नहीं है क्या? उससे पहले राज्यसभा नहीं मिली है लोगों को, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट के जज को राज्यसभा मिली, फिर इस्तीफा देके फिर लोकसभा लड़वाया, यहां तक किए, आइए हमें ज्ञान दे रहे हैं।
और ये कहेंगे संविधान की बात मानते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पे आरोप लगा रहे हैं कि दबाव में फैसला किया। नहीं, अभी इनको बोलने दीजिए, आपको 30 सेकंड दिए। बोलूंगा फिर बुरा मानेंगे आप। नहीं, आप 30 सेकंड बोलिए, बोलिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान सुप्रीम कोर्ट दबाव में था। हिंदुस्तान की जो तारीख है, क्यों कहा आपने, बहुत अच्छी तारीख है, बहुत अच्छी तारीख है हिंदुस्तान की। जिस संस्कृति की बात प्रधानमंत्री जी ने की है ना, वो संस्कृति पता क्या है, वो संस्कृति ये है कि जहां हिंदू मुसलमान सिख ईसाई अपने धर्म पर अमल करते हुए आजादी के साथ खुली फजाओं में जी सके। ये नफरत का जो बाजार आज गर्म किया गया 2014 के बाद में, ये संस्कृति नहीं हिंदुस्तान। अच्छा, 2014 के बाद में नफरत का बाजार ये, है। ये 1947 में नहीं है। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तब कौन सा प्यार का बाजार था? किसने किया था? किसने किया था बंटवारा? किसने किया था बताइए? अंग्रेज ने। किसने मांगा था देश? अंग्रेज ने किया। किसने मांगा था दूसरा देश? अंग्रेज ने किया था ना। किसने मांगा था? आज आप मांगा किसने था? आज आप अंग्रेज को अच्छा कहते हैं, मांगा किसने था? और जिन्होंने इसको अखंड भारत बनाया उनको गाली देते हैं? मैं आऊंगा आपके पास, उनको गाली दे रहे हैं। इन्होंने कहा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ मिलकर रहे, ये हमारी देश की संस्कृति है। बहुत अच्छी बात है भाई साहब, ये बात असल में 57 इस्लामिक राष्ट्रों को भी समझा दीजिए कि वहां पे सब धर्म लोग को रहने दें। पाकिस्तान को समझा दीजिए हिंदुओं को मार मार के नहीं भगाए, बांग्लादेश को समझा दीजिए वहां हिंदुओं को मार मारने के लिए भगाए। आप जितना झूठ बोल रहे हैं, हम झूठ बोल रहे हैं। पाकिस्तान में ये नहीं हो रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मंदिर बना, बिल्कुल यूएई ने मंदिर बना के दिया। क्या लेंगे आप, क्या लेंगे आप? एक मुस्लिम देश आपको मंदिर बना के दे रहा है, बहुत अच्छी। आप उसी तालियां बजाइए भाई, तालियां बजाइए। एक सेकंड, अब आप एक सवाल का भी, अब आप एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आप दोनों भाइयों से मेरा निवेदन है, आप दोनों बड़े वरिष्ठ हैं, आपसे निवेदन है। आपने बोला देखिए ये है, बताइए इन 57 इस्लामिक देशों में से लोकतंत्र कहां पर है? जवाब है, जवाब दीजिए आप लोग। इस्लामिक 57 इस्लामिक देशों में से लोकतंत्र कहां पर है बताइए? हिंदुस्तान में लोकतंत्र है? इस्लामिक देश है हिंदुस्तान में? लोक, सुनिए, मैं सवाल पूछा, सवाल पूछा, मैं काउंटर सवाल कर रहा हूँ। क्यों काउंटर सवाल कर रहे हैं? मणिपुर पर प्रधानमंत्री नहीं बोलते तो लोकतंत्र है? मणिपुर आप चले गए, लोकतंत्र है? सवाल पूछा, 57 इस्लामिक देशों में से एक में बताइए लोकतंत्र है? एक देश में नहीं है लोकतंत्र, एक देश में नहीं है लोकतंत्र। और यहाँ खुली हवा चाहिए, यहाँ खुली हवाएं चाहिए, यहाँ सब कुछ चाहिए, यहाँ बाबर की मस्जिद भी चाहिए। हाँ, मैं मानता हूं कि कतर में, यूएई में लोकतंत्र नहीं है, लेकिन जहां लोकतंत्र नहीं है वहां अपराध ना के बराबर है, वहां हिंदू भाई आराम से नौकरी कर रहे हैं, सब सुरक्षित हैं। और लेकिन हमारे भारत में अफसोस होता है कि मेरा भारत तो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, मुझे गर्व है भारत पर, लेकिन यहां क्या हो रहा है? टारगेट किलिंग हो रही है, कभी मणिपुर में होता क्या है, बात कभी कतर से भारत को कंपेयर कर रहे हैं, बेटियों की इज्जत लूटती है, कतर से भारत को कंपेयर कर रहे हैं। भारत में लोकतंत्र है, कतर में लोकतंत्र का है? की रक्षा हमारी, भारत में लोकतंत्र है, कतर में लोकतंत्र क्या है? आप लोग दीवाने हो रहे हैं मिडिल ईस्ट के, वो आपको अपना भी नहीं मानते। लेकिन आज चलते चलते मैं जरूर एक बात कहूंगा निष्कर्ष के तौर पर, जब राम मंदिर का विषय बीजेपी ने उठाया था तो बीजेपी को शायद पता नहीं था कि बीजेपी सत्ता में आएगी। बीजेपी ने अपनी जर्नी दो सीटों से शुरू करी, 2 से 80 पे गए, 80 से 120 पे गए, 120 से फिर 110 पे आए, फिर 160 पे गए, फिर 180 पे गए, फिर 272-73 पे गए, फिर 303 पे गए। और जो लोग राम का विरोध करते रहे वो 400 से 40 पे चले गए। ये विधि का विधान था या राम की रचना थी? कहते हैं ना, होता वही है जो राम रच देते हैं, शायद विधि का विधान यही था। और अब जब राम लला का भव्य मंदिर, दिव्य मंदिर तैयार हो चुका है, 22 जनवरी 2024 को वहां पर प्राण प्रतिष्ठा के साथ राम लला विराजमान हो जाएंगे, तब सोचिए नजारा क्या होगा। फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही। आपने इस कार्यक्रम को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और राम राम।